में मंच पर मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, गन्ना विकास विभाग के मंत्री श्री सुरेश राणा जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री कीरत सिंह जी, माननीय विधायक देवेंद्र निम जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री महावीर राणा जी, पूर्व विधायक सुशील चौधरी जी, पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी, पूर्व विधायक राजीव कुंभर जी, पूर्व विधायक श्री लाज कृष्ण गांधी जी, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महापौर श्री संजीव बालिया जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश श्री जसवंत सैनी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष महेंद्र सैनी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश जैन जी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री राजपाल जुड्डा जी, चेयरमैन सरसावां श्री विजेंद्र मौगा जी, श्री कृष्ण कुमार पुंडीर जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ममता त्यागी जी, श्रीमती संजना त्यागी जी, श्रीमती चांदनी राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत सभी प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ सहारनपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। अभी यहां पर मैंने मंच पर अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया, लेकिन साथ ही सुरक्षा के लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक सेंटर का शिलान्यास भी आपके देवबंद में किया है। एक तरफ समृद्धि के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन होगा तो दूसरी तरफ हमारी कमांडो फोर्स भी आतंकवाद को नेस्तनाबूत करने के लिए तैयार होगी। पिछली सरकारों के द्वारा आग लगाई जाती थी और यह सरकार समृद्धि के लिए आग बुझाने का कार्य करके फायर टेंडर की स्थापना कर रही है। आज हम यहां पे दर्जनों प्रदेश भर में फैले नए फायर स्टेशंस का भी आज यहां पर हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, और साथ ही जब सहारनपुर में आए हैं तो सहारनपुर की अनेक विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इन सभी कार्यक्रमों के लिए सबसे पहले अपने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। कितने युवा साथियों को टैबलेट और स्मार्टफोन मिला है, थोड़ा अपना हाथ खड़ा करें। इन युवा साथियों के लिए एक बार थोड़ा जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करो। भाइयों बहनों, ये जो हमारी युवा ऊर्जा है, ये युवा ऊर्जा देश की ऊर्जा है। पहले इस युवा ऊर्जा के सामने पहचान का संकट था और इस समय यह युवा ऊर्जा न केवल कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कंपटीशन की तैयारी के लिए अपने को सदैव तैयार कर सके,
इसके लिए सरकार ने आज इन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का निर्णय किया है। 1 करोड़ युवाओं को प्रदेश के अंदर टैबलेट और स्मार्टफोन से हम आच्छादित करेंगे। वे युवा मेडिकल की मेडिकल वाले होंगे, नर्सिंग वाले, पैरामेडिकल वाले या फिर फार्मेसी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए होंगे, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से, पॉलिटेक्निक से, आईटीआई से, उन सभी युवाओं को, 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देंगे ही नहीं, बल्कि किसी भी युवा के सामने ये संकट न होने पाए कि मां बाप अगर उन्हें टैबलेट के लिए होने वाले खर्चे के लिए, यानी अगर महीने में जो जितना उसने उपयोग किया है उसके लिए भी धनराशि अगर परिवार के पास नहीं, तो उन 1 करोड़ युवाओं के लिए डिजिटल एक्सेस की व्यवस्था अच्छे कंटेंट के साथ राज्य सरकार देने जा रही है। कोई परेशानी न हो, उत्तर प्रदेश का युवा भी, वह केवल एक अब युवा ही नहीं दिखेगा, स्मार्ट युवा दिखेगा। और स्मार्ट युवा के लिए आज मैं सहारनपुर कमिश्नरी से जुड़े हुए इन सभी युवाओं को भी हृदय से बधाई देता हूं, इन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर हम लोगों ने आज एटीएस के एक सेंटर का शिलान्यास किया है। भाइयों बहनों, ये एटीएस का सेंटर आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आपने देखा होगा पहले की सरकारों में आतंकी हमले होते थे, कभी राम जन्मभूमि पर, कभी काशी के संकट मोचन मंदिर पर, कहीं पर, कहीं लखनऊ की कचहरी पर, कभी काशी की कचहरी पर, कहीं पर रामपुर के सीआईएसएफ के सेंटर पर, ये लगातार आतंकी हमले होते थे। और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, आपने देखा होगा आप उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं, आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब उनको सपने भी बहुत आ रहे हैं, और सपने भी इस कदर आ रहे हैं कि सपने में आकर भगवान कृष्ण भी उनको अब कोस रहे हैं कि अबे नालायकों, जब सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा रंग बदलने में माहिर इन लोगों को आज देख करके गिरगिट भी शर्मा जाएगा कि वास्तव में अब तक तो उसको ही ये उपलब्धि हासिल थी कि वह समय के अनुरूप अपना रंग बदल देता था, लेकिन अपनी बोली भाषा में विपक्ष के नेता कैसे अपना रंग और रूप बदल दे रहे हैं। आज किसी को राम मंदिर की याद आ रही है, किसी को भगवान कृष्ण की याद आ रही है, लेकिन जब सत्ता मिली थी तब तो पूरे प्रदेश को इन्होंने बेगाना बना दिया था। लेकिन हम लोगों ने पहले दिन कहा था ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे, जीरो टॉलरेंस। पहली बार आपने देखा होगा 5 साल होने जा रहे हैं और प्रदेश में कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन
भरपाई नहीं होगी। और इसीलिए दंगाई भी आज समझ गए हैं, और जो गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करते थे वे भी अब भूल गए। उनको मालूम है, उनको भी मालूम है, अगर अब सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करेंगे, अवैध खनन का कार्य करेंगे, अवैध वन कटान का कार्य करेंगे, तो सरकार का बुलडोजर उनके भवनों पर चलने के लिए तैयार खड़ा है। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो लोग खतरा बने हुए थे उनको भी मालूम है, अब बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उसके बाद क्या हाल होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए यहां पर आपने देखा होगा, यही लोग जो केराना का पलायन कराते थे आज वही लोग सब्जी बेचने के लिए और ठेला लगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार की अनक होती है। पहले की सरकार इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुलाती थी, गले लगाती थी, सम्मानित करती थी। अब मुख्यमंत्री आवास से आदेश पारित होते हैं कि बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए तत्वों के लिए पुलिस ऐसा कार्रवाई करे कि इनको आने वाली कई पीढ़ियां अपराध की दुनिया से इनके बाहर हो जाए। भाइयों बहनों, ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा होगा, आपने देखा है प्रदेश को बदलते हुए। पहले कोई एटीएस के बारे में, एसटीएफ के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में चर्चा ही नहीं करता था, पहले इन पे चर्चा ही नहीं होती थी। अभी पिछले दिनों हम लोग आए थे माननीय गृह मंत्री जी के साथ में, और सहारनपुर कमिश्नरी की दशकों से मांग थी कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय दे दिया ना, अब कुलपति की भी नियुक्ति हो गई है, और कुलपति की नियुक्ति के साथ नया विश्वविद्यालय इस सत्र में आपका प्रारंभ हो जाएगा। और विश्वविद्यालय चलेगा तो अब मां शाकंभरी के नाम पर ही देश और दुनिया में यहां की डिग्री जाएगी। मां शाकंभरी का नाम जहां जहां जाएगा, सहारनपुर का नाम भी वहां वहां जाएगा, क्योंकि सहारनपुर यहां के किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां के हस्तशिल्पियों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से सहारनपुर को एक पहचान दिलाई। पहले की सरकारों के लिए सहारनपुर दूर होता था। 5 साल में से अखिलेश यादव सहारनपुर में बामुश्किल एक बार भी नहीं आए होंगे। और भाइयों बहनों, मैं सहारनपुर की इस 5 साल में दर्जनों यात्रा कर चुका हूं, क्योंकि मेरे लिए जितना लखनऊ वैसे ही सहारनपुर। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज इन सभी योजनाओं का स्वागत देने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं आपको आश्वस्त करने के लिए। पहले की सरकार आतंकवादियों को, मुकदमों को वापस लेती थी, और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए एटीएस का सेंटर बना रहे हैं, उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। कहीं भी आसपास के क्षेत्र में कोई हरकत हुई नहीं, दिन में, रात में, सुबह शाम, हर समय वे तैयार रहेंगे। और फिर उन समय वे तैयार रहेंगे और फिर उनका काम तमाम करने के लिए कुछ ही मिनटों में वे वहां पहुंचेंगे। भाइयों बहनों, ये विकास पहले भी हो सकता था, ये काम पहले भी हो सकता था, विश्वविद्यालय पहले भी बन सकता था। पिछली सरकार क्या कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज जो मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर था उसका नामकरण ही उसने बदल दिया। लखनऊ में भाषा विश्वविद्यालय था कांसी राम जी के नाम पर,
समाजवादी पार्टी ने उसका नाम भी बदल दिया, भाषा विश्वविद्यालय का नाम दूसरा कर दिया, नाम ही बदल दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए स्मारक को तोड़ने की धमकी देती थी सपा की सरकार। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भरपूर सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जुड़े हुए 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। हम लोग वाराणसी में संत रविदास जी के जन्म भूमि पर भव्य स्मारक और पर्यटन विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो महर्षि वाल्मीकि की जन्म भूमि लालापुर में पर्यटन विकास का कार्य भी हमारी सरकार और भारत की सरकार मिलकर के कर रही, डबल इंजन की सरकार डबल डोज का काम भी करती है, जनता को दुगना कई गुना लाभ भी देती है। लेकिन जब जब विकास की सोच की सरकार नहीं होती है तो आतंकवाद को प्रश्रय देती है, अपराध को प्रश्रय देती है। आज जो पैसा गरीबों के मकान बनने में खर्च हो रहे हैं, फायर स्टेशन के बनाने में, विश्वविद्यालय के बनाने में, एटीएस सेंटर के निर्माण में खर्च हो रहा है, ये पैसा पहले कहां जाता था? निकल देख रहे ना, एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा हमें जेसीबी से दीवार तोड़ करके नोट की गड्डी निकालनी पड़ी थी। आप देखिए, हमने नाम नहीं लिया था, हमने नाम नहीं लिया, लेकिन कहते हैं ना, कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। जब ये पैसा निकाला जा रहा था, जो गरीबों का पैसा लूट करके पिछली सरकारों ने भर भर करके दीवारों के अंदर भरा हुआ था, तो सबसे पहले बुरा लगा था समाजवादी पार्टी के बबुआ को, कहते थे कि ये पैसा क्यों निकाला जा रहा है। भाइयों बहनों, उनकी पीड़ा गरीब के साथ नहीं, नौजवान के साथ नहीं, महिलाओं के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, उनकी पीड़ा तो माफियाओं के साथ में है। जब माफियाओं पर बुलडोजर चलता है तो इनको पीड़ा होती है, जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है इनको पीड़ा होती है, जब कावड़ यात्रा चलाई जाती है तो इनको पीड़ा होती है, जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होता है तो इनको पीड़ा होती है, जब भाइयों बहनों मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर निर्माण के कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो इनको पीड़ा होती है। लेकिन हमारी सरकार जो कहती है सो करके दिखाती भी है। आपने देखा होगा, हमने जो कहा सो करके दिखा दिया। सबका साथ और सबके विकास का मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। हमने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए विकास की योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य तो किया ही, सुरक्षा का भी कार्य मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया, और भाइयों बहनों आस्था का भी सम्मान किया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण क्या समाजवादी पार्टी कराती? आपको विश्वास हो रहा है क्या? अरे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? लेकिन आपकी ताकत ने आज उनको नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तो कह रहे हैं ना, आज तो उनको भी कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है ना, और नहीं तो पहले क्या बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती थी तो क्या कहते थे? गलती हो जाती है, यही बोलते थे ना। अब तो गलती नहीं होती ना, अब तो कार्रवाई होती है ना। भाइयों बहनों, बस यही याद दिलाने के लिए आ जाए हैं। ये एटीएस सेंटर न केवल देवबंद और सहारनपुर के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का एक मजबूत आधार बनेगा, और सरकार की पूरी प्राथमिकता है, पूरी प्रतिबद्धता है
सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। विकास प्राथमिकता है। शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव हर गरीब को मिलना चाहिए, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ सबको सुरक्षा, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने के लिए भी सरकार पूरी तरह संकल्पित है। और आज यहां 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो लोकार्पण यहां पर किया जा रहा है, इन लोकार्पण कार्यक्रमों के साथ प्रदेश के दर्जनों, लगभग 2 दर्जन से अधिक हम लोगों ने फायर स्टेशन के भी लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए बधाई देता हूं जिनके यहां पर ये फायर स्टेशन के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और साथ साथ भाइयों बहनों, मैं इस एटीएस सेंटर के लिए कुंवर ब्रजेश सिंह जी को, यहाँ के माननीय सांसद जी को, यहाँ के हमारे पूर्व सांसद के साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ के विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। आप सबको मैं इन योजनाओं के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि योजनाएं आप सबके लिए फलीभूत होंगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जै जै